नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा उपचुनावों को लेकर कांग्रेस ने की कवायद तेज। प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रहेंगे दौरे पर। कांग्रेस ने भाजपा पर लगाए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप। निर्वाचन अधिकारी को सौंपा शिकायती ज्ञापन। और राजधानी में एक बार फिर कराए 49 बाल श्रमिक मुक्त। पुलिस ने किया 7 चूड़ी कारखानों के मालिकों को गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सचिन पायलट कल 10 सितंबर को झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता डॉक्टर अर्चना शर्मा ने बताया कि कल प्रातः 8 बजे जयपुर से रवाना होकर प्रातः 11 बजे विधानसभा क्षेत्र सूरजगढ़ के बुहाना पहुंचेंगे, जहां वे कांग्रेस प्रत्याशी श्री श्रवण कुमार के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव डॉक्टर सीपी जोशी, एआईसीसी सचिव व प्रभारी राजस्थान श्री मिर्जा इरशाद बेग, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर बीडी कल्ला, डॉक्टर चंद्रभान, सांसद श्री अश्क अली टाक, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री महादेव सिंह खंडेला, श्री लालचंद कटारिया उपस्थित रहेंगे। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि श्री पायलट बुहाना में सभा को संबोधित कर दोपहर 1 बजे बुहाना से प्रस्थान कर 4:30 बजे जयपुर पहुंचेंगे। प्रदेश में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की घड़ी नजदीक आने के साथ ही आरोप प्रत्यारोपों के सिलसिले ने भी तेजी पकड़ ली है। इसी क्रम में प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर उपचुनाव की तैयारियों के दौरान सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। पार्टी ने इसकी शिकायत मुख्य निर्वाचन अधिकारी से भी की है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनावों को लेकर एक शिकायती ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन के जरिए कांग्रेस ने भाजपा पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। पार्टी ने 9 सितंबर को वैर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जनसभा का हवाला देते हुए कहा कि ये सभा सरकारी स्कूल में आयोजित की गई थी, लिहाजा ये उपचुनाव के मद्देनजर लगाई गई आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने इन उदाहरणों को देते हुए निर्वाचन आयोग से सख्ती बरतने की अपील की है। कांग्रेस नेताओं ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गोविंद शर्मा से उपचुनाव की 4 सीटों पर आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए भाजपा के मंत्रियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को 11 सितंबर की शाम 5 बजे तक इन क्षेत्रों को छोड़ने के लिए पाबंद किए जाने की भी मांग की है। इसी के साथ पार्टी नेताओं ने अपनी तरह से संवेदनशील बूथों की सूची थमाते हुए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात करने की भी मांग की है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अर्चना शर्मा के अलावा सचिव डॉक्टर भवि मीना, अभाव अभियोग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजेश चौधरी और महामंत्री प्रशांत शर्मा मौजूद रहे। पुलिस थाना भट्टा बस्ती, शास्त्री नगर एवं विद्याधर नगर के संयुक्त दल एवं बाल कल्याण समिति के सहयोग से कार्यवाही करते हुए पुलिस ने 49 नाबालिग बच्चों को न्यू जालूपुरा एवं कब्रिस्तान के सी ब्लॉक भट्टा बस्ती के चूड़ी कारखानों से मुक्त कराया है। पुलिस उपायुक्त उत्तर अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने मुक्त कराए गए इन नाबालिग बालकों को बाल कल्याण समिति को सुपुर्द कर चाइल्ड हेल्पलाइन में भिजवाया है। इस संबंध में बलात् बाल श्रम करवाने वाले 7 चूड़ी कारखाना मालिकों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। उन्होंने बताया कि इन कारखाना मालिकों द्वारा बालकों को बिहार से लाकर बंद कमरे में बच्चों की इच्छा के विरुद्ध सुबह 7 बजे से देर रात तक चूड़ी बनवाने का काम करवाया जाता था। सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली अजीत सिंह के नेतृत्व में मानव तस्करी एवं नवरन सिंह की सूचना पर मानव तस्करी एवं बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए नाबालिग बच्चों को छुड़वाया गया। श्रीमान डीसीपी साहब नॉर्थ के निर्देशानुसार मानव तस्करी के संबंध में छोटे बच्चों का काम करने में जो चूड़ियों में काम आ रहे हैं, इसमें मानव तस्करी की टीम व थाने भट्टावस्ती टीम और वर्ता की टीम तीनों थानों के मिलकर ये कार्रवाई करी, जिसमें 4 दर्जन लड़के और उसमें आरोपीगण पकड़े गए हैं। उनका स्टॉक पकड़े हुए हैं, पहले जितने भी हुए चलान है कि करीबन मेरे आने के बाद में 20 मुकदमे दर्ज हुए हैं और करीबन 200 लड़कों का चलान मतलब करके उनके संबंधित बिहार भेजा गया है। इनके साथ जो मुलजिम आरोपीगण हैं, इनके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई है और इनको बच्चों में समाज कल्याण CWC के तहत
समाज कल्याण विभाग की तरफ से वापस इनको विस्थापित करवा जाएगा, वापस अपना मानव ट्रैफिक का मामला है ही सब, बच्चों को जो पढ़ने ऊपर पढ़ने लिखने की उम्र है उनको ये कहाँ कहाँ के बच्चे हैं? ये ज़्यादातर बिहार छत्तीसगढ़ ये बच्चे सारे ही बिहार से आए हैं। इनको जो दलाल काम कराने वाले थे वो सात को हम लेकर के आए हैं, उनसे और तफ्तीश की जाएगी ये बच्चे कहाँ से हैं। मैंने बच्चों से पूछताछ की है तो सभी बच्चों ने मेरे को कहा हम बिहार से आए हैं और हमारे को यहाँ ये आरी तारी का चूड़ी का काम करवा रहे हैं सारे के सारे। थाना बिल्कुल क्रॉस चेकिंग करता है, मैं इनसे इनकार नहीं कर सकता आपको, क्योंकि थाना जब क्रॉस चेकिंग करता है उस वक्त ये बच्चे जैसे मकान में हम आज भी गए तो ऊपर जब हम जाते हैं तो नीचे से जो पीछे का गेट होता है उसे खोल करके इनको भगा दिया जाता है, इसलिए थाने वाला क्रॉस चेकिंग करते हैं उसमें ये मिल नहीं पाते इनको। ये तो देखो जब कार्रवाई के लिए जाते हैं तो बच्चों को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमने पूरी कोशिश करके उनको वापस निकाल करके यहाँ लेकर गए हैं। भट्टा बस्ती थाने के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो तो भट्टा बस्ती बताएगा, मेरे द्वारा जो कार्रवाई की गई है अब तक मैंने 591 बच्चों को मुक्त करवाया है इस साल में और 2013 में मिला के 591 बच्चों को मुक्त करवाया है और 87 आरोपियों को गिरफ्तार करवाया मैंने स्वयं ने। एकीकरण में समानीकरण के विरोध में आज राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश व्यापी आह्वान पर जिला स्तर पर प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपे गए। इसी क्रम में संघ की जयपुर इकाई ने बानीबाग स्थित कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। संघ के जयपुर प्रथम के अध्यक्ष हरीश कुमार शर्मा और जयपुर द्वितीय के अध्यक्ष हरफूल सारण के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में सैकड़ों शिक्षक शामिल हुए। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम से सौंपे ज्ञापन में शिक्षक दिवस पर शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ, पंचायती राज मंत्री गुलाब चंद कटारिया व एसीएस शिक्षा श्याम एस अग्रवाल के बयानों की निंदा करते हुए माफी मांगने की मांग की। जब से भी हमारे ये नई सरकार बनी है तभी से हमने आस लगाई थी कि शिक्षा में कुछ सकारात्मक पहल करते हुए कुछ अच्छी बातें हमारे सामने आएंगी, लेकिन पिछले 4 महीने से इन्होंने जो एक प्रकार का माहौल बना रखा है समानीकरण और एकीकरण जब यह शुरू किया गया था उस समय यह लग रहा था कि जो स्कूल हैं जिनमें बिल्डिंग नहीं है, जीरो नामांकन है, ऐसे स्कूलों को अगर ये बंद करते हैं तो हम भी उसका समर्थन करने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक ऐसा कुछ चक्कर चलाया कि ये तो शिक्षकों के पद ही समाप्त करने पर तुल गए। लगभग इन्होंने ये सोच लिया कि हम राजस्थान में 1,00,000 पद समाप्त करेंगे, तो 1,00,000 पद समाप्त करेंगे तो फिर पढ़ाएगा कौन? आज भी प्रति स्कूल यदि हम औसत देखते हैं तो 2 टीचर 3 टीचर सरकार माध्यमिक स्कूलों में प्रति क्लास 3 लेक्चरर आ रहे हैं, तो 3 औसत आ रहा है ये तो, जबकि कई विद्यालयों में तो व्याख्याता के पद खाली पड़े हैं, 45% व्याख्याता के पद आज खाली हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम पदों को भरकर सरकार कुछ गुणात्मक पहल करती तो हम उसका स्वागत करते, लेकिन इन्होंने तो केवल एक स्कूल बंद करके और पदों को समाप्त करके इस प्रकार का एक माहौल बना दिया जिससे हमारे नामांकन और घट गया। और वक्त हो चला, अब एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा बाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव का आज प्रातः जयपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद पहली बार जयपुर आए भूपेंद्र यादव का सांगानेर हवाई अड्डे पर भी भाजपा नेताओं ने अभिनंदन किया। इसके बाद वे पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे तो पार्टी के जयपुर शहर कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। चुनाव में पार्टी पूरी एकजुट होकर के लगी हुई है और इन चारों उपचुनाव में पार्टी ने जो पिछले 7 महीनों में राजस्थान की जनता की सेवा करी है उसके अनुरूप जनता अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी और पार्टी सभी चारों उपचुनाव में सफलता प्राप्त करेगी। लोगों ने आंखों पे पट्टी बांध रखी है उनका तो पता नहीं है, जनता के बीच में सकारात्मक कार्य हो रहे हैं। सरकार ने हमने जब सुराज संकल्प यात्रा निकाली थी तब हमने कहा था कि हम 5 महीने की नहीं 5 साल की सरकार देंगे और आने के बाद लगातार सरकार सुदूरवर्ती ग्राम और पंचायत जहां तक अभी तक लोगों ने सरकार की अनुभूति नहीं करी थी वहां तक सरकार गई है, लोगों की समस्याओं से रूबरू हुई है, राजस्थान के बारे में नई नीतियां और योजनाएं लेकर के आए हैं और निरंतर सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एकजुट होकर के कार्य कर रही है। देश के स्तर पर भी प्रधानमंत्री जी ने 100 दिन के अंदर अंदर प्रधानमंत्री जनधन योजना को लागू करा और हम चाहते थे कि जो आर्थिक सशक्तिकरण की भावना जिससे अभी भारत का बहुसंख्यक जो कमजोर तबका है गरीब तबका है जो दूर रहा है वो आर्थिक सशक्तिकरण में कामयाब हो, योजना प्रारंभ हुई है और इसका परिणाम भी 5 साल के अंदर अंदर दिखने को मिला। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और अवमानना के मुद्दों पर वकीलों का महापड़ा हाईकोर्ट परिसर में जारी है। वहीं हड़ताल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने BCI, BCR और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर को हड़ताल को लेकर नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठ मालानी ने पैरवी की। राम जेठ मालानी ने नोटिस पर जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता को निर्देश दिया कि वह हड़ताल को लेकर मध्यस्थता करे और 17 सितम्बर को न्यायाधीशों और वकीलों की बैठक करा हड़ताल के जल्द निपटारे के प्रयास करें। वकील अपनी 14 मांगों को पूरा किए जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी मामले को लेकर 3 सदस्यों की समिति बनाई थी। दूसरी ओर न्यायाधीश अपने स्तर पर सुनवाई कर मामले निपटाने के प्रयास कर रहे हैं लेकिन इस प्रक्रिया को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। वकील बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष गोपेश कुंभज और अन्य वकीलों के खिलाफ ADJ महेंद्र सिंह के आदेश के विरोध में कार्य बहिष्कार पर हैं। वे पहले ही कह चुके हैं कि अवमानना का आदेश देने वाले न्यायाधीश के तबादले के बिना वे काम पर नहीं लौटेंगे। हज का मुकद्दस सफर मंगलवार से शुरू हो गया। पहली फ्लाइट सांगानेर एयरपोर्ट से सुबह रवाना हो गई। पहली फ्लाइट में 235 हज यात्री रवाना हुए। हज यात्रियों के परिजनों और रिश्तेदारों ने हज यात्रियों को माला पहनाकर विदाई दी। फ्लाइट में सबसे अधिक उम्र के हज यात्री नागौर के 79 वर्षीय रमजानी थे जबकि सबसे कम उम्र के जयपुर निवासी 25 वर्षीय अजहरुद्दीन रवाना हुए। रवानगी स्थल पर विधायक हबीबुर रहमान, कमेटी अध्यक्ष सलीम कागजी, अल्पसंख्यक मामला विभाग के प्रमुख सचिव खेमराज, कमेटी के सदस्य अधिकारी मौजूद थे। फ्लाइट में 122 पुरुष और 113 महिलाएं रवाना हुई। स्टेट हज कमेटी के सदस्य हाजी शाहिद मोहम्मद के मुताबिक पहली फ्लाइट में हज यात्रियों के साथ 2 हज सेवक भी शामिल थे। राष्ट्रमंडल खेलों के 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में देश को स्वर्ण पदक दिलाने वाली अपूर्वी चंदेला को विधानसभा उपचुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके तहत अब अपूर्वी उपचुनाव के लिए मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील करती दिखाई देंगी। राष्ट्रमंडल खेलों के 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में देश को स्वर्ण पदक दिलाने वाली अपूर्वी चंदेला अब नई भूमिका में नजर आएंगी। दरअसल राज्य निर्वाचन विभाग ने अपूर्वी को विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस नई जिम्मेदारी के साथ ही अपूर्वी अब उपचुनाव वाले क्षेत्रों में मतदाताओं को जागरूक करती नजर आएंगी। अपूर्वी की कामयाबी को देखते हुए निर्वाचन विभाग ने अपूर्वी चंदेला के नाम की सिफारिश उपचुनाव में ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से की थी। निर्वाचन विभाग की इस सिफारिश को हरी झंडी देने के लिए आयोग ने जरा भी देर नहीं की और उनके नाम पर औपचारिक मुहर लगा दी। अब अपूर्वी निर्वाचन विभाग के लिए मतदान क्षेत्र में 100% मतदान के लिए मतदाताओं को विभिन्न माध्यमों के जरिए संदेश देकर जागरूक करेगी। खास बात यह है कि अपूर्वी निर्वाचन विभाग के लिए बगैर किसी मानदेय के काम करेगी। वहीं अपूर्वी राज्य की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए भी काम करेंगी।
गौरतलब है कि राजस्थान में जन्मी अपूर्वी चंदेला इस समय आगामी विश्व चैंपियनशिप और एशियाई खेलों के लिए भारत को पदक दिलाने की पुरजोर तैयारी में भी जुटी है। बड़ी संख्या में दिगंबर जैन धर्मावलंबियों ने मंगलवार को अश्विन कृष्णा एकम पर षोडश कारण कलश व प्रतिपदा कलश तथा पड़वा ढोक पर्व मनाया। वर्ष भर की गलतियों की आपस में क्षमा मांगने के साथ ही खोपरा मिश्री खिलाने का क्रम जारी रहा। प्रातः शहर के कई मंदिरों से व्रत उपवास करने वाले त्यागी व्रतियों की शोभा यात्राएं निकाली गई, जिनमें बैंड बाजों बग्गियां महिला मंडल सहित जैन श्रद्धालु सम्मिलित हुए। राजस्थान जैन सभा की ओर से सकल दिगंबर जैन समाज का सामूहिक क्षमापन समारोह बुधवार को दिगंबर जैन आचार्य विमल सागर, उपाध्याय शशांक सागर, मुनि अमित सागर, मुनि चंद्रगुप्त, आर्यिका सृष्टि भूषणमती, आरिका विशाश्री, आरिका गुरुवाणी, माताजी सत्संग के सानिध्य में सभा अध्यक्ष सुभाष चंद्र जैन के नेतृत्व में प्रातः MI रोड के न्यू गेट स्थित रामलीला मैदान में होगा। इधर श्री दिगंबर जैन मंदिर वरुण पथ मानसोर जयपुर पर आरिका गौरवमती माताजी एवं शुल्लिका आदर्शमती माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में 10 लक्षण पर्व के अवसर पर उन सभी त्यागी व्रतियों का सम्मान समाज समिति वरुण पथ द्वारा किया गया, जिन्होंने 10 लक्षण पर्व के 10 उपवास, 5 उपवास और 3 उपवास किए थे। इस दौरान पूज्य माताजी ने सभी श्रद्धालुगणों को संबोधित करते हुए कहा कि त्याग और तपस्या ही 10 लक्षण पर्व का आधार पर 10 लक्षण पर्व पर जितना धर्म कमाना है उतना कमा लो, क्योंकि यह साल में 3 बार ही आता है और सबसे बड़ा पूछें 10 लक्षण पर्व भादो माह में ही आता है। भादो का महीना आते ही प्रत्येक जैन श्रावक के मन में त्याग संयम और व्रत के प्रति उत्सुकता और उत्साह उत्पन्न हो जाता है, इसलिए हमारे आचार्यों ने भादो मास को मंगल मास कहा है। सावन भादो का महीना ऐसे भी व्यक्ति के बरसात के दिनों में पेट की जठराग्नि मंद पड़ जाती है, उनका धंधा व्यापार भी मंद होता है, इसलिए कहा कि व्यापार छूटो और धर्म लूटो। इन दो महीनों के लिए हमारे आचार्य ने कहा व्यापार भी कम होता है, पेट की मंदाग्नि भी होती है, तो व्यापार छूटो और धर्म लूटो, धर्म करोगे। ये मंगल मास कहा जाता है भादो का महीना। 16 कारण का पर्व प्रारंभ हो जाता है, कोई 32 उपवास करते हैं, कोई 16 दिन के उपवास करते हैं, कोई एक दिन उपवास एक दिन आहार करता है, कोई मात्र 16 दिन के उपवास करते हैं। और इस भादो मास में पर्युषण पर्व आता है, जिसे हमारे आचार्य ने व्याख्या की परि समन्ता उष्णति, अर्थात जो चारों तरफ से व्यक्ति के पापों को जला दे, दुर्गुणों को नष्ट कर दे, उसे पर्युषण कहते हैं अथवा 10 लक्षण धर्म भी कहते हैं। 10 लक्षण क्यों कहा? धर्म 10 प्रकार के नहीं हैं, धर्म को जानने के लक्षण 10 हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को कलकत्ता जाना है, कोई कहता बाया नागपुर चले जाओ, कोई कहता बाया बनारस चले जाओ, कोई कहता बाया अलग अलग अनेक प्रकार के मार्ग हैं अलग अलग, लेकिन पहुँचने का रास्ता कलकत्ता एक ही, लक्ष्य एक ही होता है। उसी प्रकार धर्म 10 नहीं, धर्म के लक्षण 10 हैं, और इसीलिए हमारे आचार्य ने कहा इन 10 लक्षण रूप धर्म को जानने के लिए व्यक्ति को ये 10 लक्षण पर्व मनाती है। जयपुर रेलवे मेट्रो कॉर्पोरेशन में हेल्दी स्माइल्स ग्रुप की ओर से मंगलवार को निशुल्क दंत एवं स्वास्थ्य परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर बलविंदर ढक्कर ने बताया कि शिविर में दांतों की बीमारी एवं उनकी रोकथाम, बालों में बीमारी एवं उनको झड़ने से रोकने संबंधी समस्याओं के बारे में बताया और निःशुल्क दवाइयों का भी वितरण किया। इस मौके पर एक व्याख्यान माला का भी आयोजन किया गया। आज मेट्रो का अपन कैंप की बात करें, नहीं तो हमने पहले RPA में लगाया है, उससे पहले अपना पुलिस हेडक्वार्टर्स में लगाया है, अलग अलग जैसे जो भी हम एक NGO की तरह काम करते हैं, पर जिसके अंदर जिस किसी भी तरह से हमारे को किसी तरह की फंड्स की जरूरत नहीं होती। हमें सिर्फ एक ही है कि पेशेंट्स को अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जो हम अगर 20 जनों के अंदर या 100 जनों के बीच में लेक्चर देते हैं, उससे एक ही डॉक्टर 100 जनों को थोड़ी सी नॉलेज देता है, और अगर वो थोड़ा थोड़ा भी अपना ध्यान रखें तो आगे आने वाली परेशानी टल सकती है उनके लिए, और साथ में उनके पैसे भी बच सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो बीमारी दिखती है वो पायरिया की रहती है, जो कि एक मसूड़े के अंदर से खून आने की रहती है। लोग सोचते हैं कि नहीं, ये मेरे दांत शुरू से बचपन से ऐसे थे, या फिर कहते हैं मेरी हेरिडिटरी थी, मेरे पेरेंट्स कैसा था। ऐसा कुछ भी नहीं होता, दांत अगर खुद के साफ रखेंगे तो भले हेरिडिटरी हो चाहे कुछ हो, अपनी तरफ से आपके दांत अच्छे ही रहेंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा उपचुनावों को लेकर कांग्रेस ने की कवायद तेज। प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रहेंगे दौरे पर। कांग्रेस ने भाजपा पर लगाए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप। निर्वाचन अधिकारी को सौंपा शिकायती ज्ञापन। और राजधानी में एक बार फिर कराए 49 बाल श्रमिक मुक्त। पुलिस ने किया 7 चूड़ी कारखानों के मालिकों को गिरफ्तार। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते। मैं हूँ दिशा वाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पर।